जिस दौर में भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होने का सपना देख रहा है, उसी दौर में लोगों को अपनी मूलभूत जरूरतों से वंचित रहना पड़ रहा है। मुंबई यानी देश की आर्थिक राजधानी, मुंबई यानी माया नगरी, मुंबई यानी आम और खास लोगों का महानगर। लेकिन इसी मुंबई में साफ सफाई करके अपने घर को चलाने वाले लोगों के घरों के बाहर गंदगी और गटर का पानी 24 घंटे और 12 महीनों भरा रहता है। उनके बच्चों को गंदे भरे हुए पानी की तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। इतनी गंदगी में अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर लोगों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। अपनी परेशानी वो किसे बताएं और अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं? इस चिंता में उनका एक एक दिन गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी की सांसद पूनम महाजन लोगों को इलेक्शन के बाद से अब तक नजर नहीं आई हैं। कई तो ऐसे हैं जो लोग उन्हें भूल भी चुके हैं, पर ऐसे में अंधेरे में दिया की किरण की तरह उन्हीं लोगों को उनको आने वाले लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ से उम्मीद है कि वह अगर उनके इलाके में चुनकर आती हैं तो वो अपने लोगों की परेशानी को समझेंगी और उससे उन्हें जरूर निजात दिलाएंगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा लोगों का कहना है। आइए सुनते हैं जनता की आवाज़। पानी हर साल भरता है, अभी भी पानी भरा है, गटरों की सुविधा नहीं हो रही है, कोई चीज की सुविधा नहीं हो रही है, कोई नहीं मिले हमको तो कोई नहीं आते। सांसद को जानते हैं कौन है आपके यहाँ पे? सांसद कौन है? हम नहीं जानते। कभी कोई आया आपसे मिलने? कोई नहीं आया। साथियों नमस्कार, मैं संदीप बोत वाल्मीकि समाज का समाज सेवक। यहाँ पर हमारे जो समाज के लोग हैं, कई तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, सफाई कर्मचारी, और यहाँ पर अभी इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन के माहौल में सभी नेतागण यहाँ पर आएंगे, अपना वादा करेंगे कि हम ये कर देंगे ना हम वो कर देंगे, पर वादा आज तक भी पूरा नहीं हुआ। हमारे चाहे वो हमारे सांसद का हो चाहे हमारे खासदार का हो, हमको यही कहना है कि जो हमारे सांसद आज तक भी हमने पता नहीं है कि भाई उनको ऑफिस कहाँ पर है और वो कहाँ है, आज तक भी नहीं पता। जीतने के बाद वो 10 साल कहाँ गायब हो गए हमको नहीं पता। क्या क्या काम आपके यहाँ अब तक हुआ है और क्या चाहते हैं आप? अभी तक तो यहाँ पर तो कोई काम हमको भी दिखा नहीं है, कोई काम नहीं किया है हमारे लिए। गटर होता है जो सुख सुविधा होनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि घर घर टॉयलेट होगा, अच्छी सुविधा होगी, गटर ही नहीं ठीक बन रही थी, गटरों में पानी, घरों में पानी, टॉयलेट किधर से बनेगा? हाँ तो वो सब ध्यान देना पड़ेगा। पानी नहीं जा रहा है इधर से, कचरा नहीं जा रहा है, पास हो रहा नहीं, कुछ हो रहा नहीं है, रोज गंदा मारते रहते। वही मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि हमारे लोगों को सुविधा मिले, बिल्डिंग वालों को सुविधा मिल जाती है, हमको नहीं मिलती है। हमारे काम करेगा देंगे हम, और हम यही कहते हैं हमको जुमले की सरकार नहीं चाहिए, हमको काम करने वाली सरकार चाहिए। जो हमारा गरीबों का सुने, जो सुनेगा हमारी गरीबों की, तो हमको उसी की देंगे ना। इसका बना बच्चे हमारे गटर में से निकल के आते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, कैसे जाएंगे? जब शिकायत लेके जाएंगे तो इनकी एक ही बात होती है, फंड नहीं हमारे पास। कोई पार्टी वाला यहाँ कोई काम नहीं करता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। क्या चाहते हैं, क्या सुविधा चाहते हैं और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे बच्चे ठीक ठाक जाए, स्कूल जावे, पढ़े अच्छी तरह, और ये जो गंदगी में से ना जावे। यहाँ भी पूरा पानी भरा होता गटरों में, अब जाकर किसी ना किसी तरीके से हम लोग खुद करते हैं ये सब काम निकालते हैं, लेकिन किसी की शिकायत करने जाएंगे ठीक है मना कर देते, फंड नहीं है। फंड कहाँ से आएगा? फंड हम अपने घर से देंगे। नमस्कार, मैं राकेश हरिचंद लाहौरी, विले पार्ले बामनवाड़े का रहवासी हूँ। यहाँ पे आज देखा जाए तो बीजेपी के जो सांसद हैं और सांसद श्रीमती पूनम महाजन जी, यहाँ पे 10 साल से हमने उन्हें यहाँ पे देखा नहीं। उनकी किसी भी विचारधारा, जो उनके विकास कामों के जो उन्होंने सोचा था, उस कोई भी उनका काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। ना यहाँ पे हॉस्पिटल बने, ना कॉलेज है, स्कूल है, किसी चीज़ की सुविधा उनके पास उन्होंने हमें नहीं दी। बाजार मार्केट जो उन्होंने आपको बोले थे कि हम यहाँ पे आपको करके देंगे, आप हमें जिताइए हम आपको पूरी सुविधा देंगे, किसी चीज़ की उन्होंने सुविधा नहीं दी। यहाँ पे अभी एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो अभी वर्षा ताई गायकवाड़ जी जो यहाँ सांसद जी का जो इलेक्शन लड़ रही हैं, पूरी जनता उनके फेवर में है, क्योंकि वो चार बार की विधायक रह चुकी हैं धारावी से, और धारावी में उनका काम बोलता है। उनकी नज़र हमने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है, क्लोज देखा है। उनके जो काम की चर्चा पूरे हमारे उत्तर मध्य जिले में है, तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे से सांसद बन के जाएँ और हमारे यहाँ की जनता का, जो हमारी जनता बहुत ही खस्ते हाल में यहाँ पे रह रही है, उनकी पूरी सुविधाओं को ठीक ढंग से
सही तरह से उनको ये करें। हमारे जो सांसद जो कहा जाए तो पूनम महाजन जी, हमने उन्हें यहाँ पे सही मायने में देखा और 10 साल तक उनका चेहरा नहीं देखा, उनकी ऑफिस कहाँ पे वो पता नहीं। किसी भी काम को अगर हम लेके भी जाएं तो कहाँ लेके जाएं, हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी तो हम जाएं कहाँ। पराग जी अलवानी जी हैं बीजेपी के, जो यहाँ पे आमदार है, लोकल आमदार है, उन्होंने भी यहाँ पे किसी चीज़ के काम नहीं किया पूरी तरह से। हमें यहाँ पे यहाँ की जनता पूरी तरह से त्रस्त है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर वर्षा ताई गायकवाड़ यहाँ से सांसद बने और यहाँ की जनता को पूरे यहाँ पे जो परेशानी हो रही है उससे उनको मुक्ति दिलाएं। यही अविनाश भास्कर निरुकर रातू शीतल अपार्टमेंट बामनोड़ा चकारा सिगरेट फैक्ट्री। माझा समस्या अशा आहेत की आतापर्यंत जे मोदी गव्हर्नमेंट आहे त्यांनी आतापर्यंत काहीच चांगली कामं केलेली नाही, फक्त आश्वासनं देण्याचं काम केलं आहे। त्यामुळे तिथली जी स्थानिक आमची आमदार होती पूनम महाजन, तिने 5 वर्षामध्ये काहीच काम केले नाही। परागने पण काम केले आमदार असून, स्थानिक आमदार असून, आणि आता जी आमची उमेदवार आहे वर्षा गायकवाड, ती वेल एज्युकेटेड आहे, सुसंस्कृत आहे आणि ती 101% आपल्या एरियामधून लीड घेऊन जिंकून येईल अशी मी आशा बाळ। बामनवाडा विलेपार्ले ईस्ट मे रहता हूँ और यहाँ के जो आमदार हैं बीजेपी के हैं पराग अलवानी और सांसद हैं पूनम महाजन, जिनका पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं है। वो बन तो गए हैं लेकिन पब्लिक के कुछ भी समस्या है, पब्लिक की किसी बारे में कुछ नहीं उनका योगदान है। बस अपने ऑफिस में ही रहते हैं, अपने ऑफिस में पब्लिक की कोई सहायता है, किसी मेडिकल की समस्या हो रही है, किसी को सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल रही है तो वो समस्या है, किसी को राशन कार्ड की समस्या है, छोटी छोटी समस्या है, कोई किस प्रकार का बीमार है तो उसको कुछ सहायता देनी है। या हमारे गली रास्ते का जो काम है बिल्कुल बंद हो चुका है इनकी वजह से, आने से रास्ते बराबर नहीं, आगे के रास्ते थे वो आगे पूरे रास्ते ख़राब पड़ेंगे, तो ये सब जो है उनका कोई योगदान ही नहीं मिल रहा है। और पूनम महाजन तो पूरी जितने बनने के बाद पूरी एब्सेंट ही रहती है, वो तो कभी नहीं देखा पूनम महाजन कभी रास्ते में, कहीं लोग किसी भी कहीं भी कोई मीटिंग में या किसी लोगों से मिलते हुए कुछ जुलते हुए कुछ उनका कुछ संपर्क ही नहीं है। उनको ऑफिस का है वो हमको पता नहीं, तो उनको वो मिलने कहाँ जाएँ ये हमको समझ में नहीं आता है। और आयुष्मान कार्ड का कौन सी दुकान पे मिल रहा है आयुष्मान कार्ड, ये हमको किसको पता नहीं। लोग परेशान हैं, उनको दवाखाना इलाज के लिए जाना है तो वहाँ पर भी आयुष्मान कार्ड का नाम लेते हैं तो बोलते हैं भाई कुछ ही नहीं। जो हॉस्पिटल प्राइवेट में जाते हैं कार्ड भी बोलते हैं कार्ड तो मिल ही नहीं रहा है, और राशन कार्ड आधे लोगों के राशन कार्ड बंद हो चुके हैं। गायकवाड़ को एक चांस दिया जा रहा है यहाँ से, क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीद है? लगता है वर्षा गायकवाड़ जो आती है बैकग्राउंड से वो बहुत उनके साधारण विचार हैं और जानती है लोगों की समस्या, उस माहौल में रही हैं धारो ये से माहौल में रही हैं और लोगों का संपर्क रही है, एजुकेशन मिनिस्टर रही है, समझती है। अब ये जो बड़े बड़े घर के लोग हैं उनको बंगले से बाहर निकलने का टाइम नहीं है इसी के बंगले से, तो उनको उन्होंने लोगों के बीच घुमा है, लोगों की समस्या देखी है, लोगों की समस्या झेली है, सहायता किया है लोगों का, इसलिए वो उनके आमदार इतनी हवा होने के बाद भी फिर भी आमदार चुन के आई, मतलब उनका कार्य अच्छा है इसलिए उनको चुन के आए। तो हमको भरोसा है कि वर्षाताई गायकवाड़ कुछ लोगों की समस्या का हल निकालेगी और हॉस्पिटल का जो लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, पढ़ाई लिखाई में भी एडमिशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सब समस्या में कुछ ना कुछ पॉजिटिव दान देगी और लोगों की समस्या का हल निकालेगी।